ऑलरेडी इट आउट गाइस स्वागत है आपका स्टोन टैग में दोस्तों आज हम बात करेंगे रियलमी की तरफ से इंडिया में लॉन्च होने वाले एक और नए लेटेस्ट 4G स्मार्टफोन के बारे में जो कि रियलमी सी थर्टी थ्री तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme C33 के कंप्लीट डिटेल के बारे में यह मोबाइल इंडिया में कब लॉन्च होगा किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगा क्या इसके फीचर्स होंगे और क्या आपको ये मोबाइल लेना चाहिए या फिर नहीं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल की डिस्प्ले के बारे में जिसमें सिक्स पॉइंट इंचेस की एक आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी एस्पेक्ट रेशियो ट्वेंटी होगा और स्क्रीन डेंसिटी टू हंड्रेड पीपीआई होगी अगर बात करें इस मोबाइल के स्क्रीन प्रोटेक्शन की तो इस मोबाइल में गुरेला ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर बात करें इस मोबाइल के वेट की तो यह मोबाइल आपको 187 ग्राम के साथ काफी लाइट वेट भी देखने को मिलेगा ओवरऑल देखा जाए तो इस मोबाइल में एक डिसेंट डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी और कंटेंट वॉचिंग में भी आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस इस मोबाइल में देखने को मिलेगा अगर बात करें इस मोबाइल के बिल्ड की तो इस मोबाइल में फ्रंट ग्लास होगा और बैक ऑफ फ्रेम आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा जो कि इस मोबाइल को काफी अच्छा लुक देगा और इन एंड फील भी आपको काफी अच्छा इस मोबाइल का देखने को मिल जाएगा अब चलते हैं इस मोबाइल के अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम चिपसेट और जीपीओ के बारे में इस मोबाइल में एंडर 12 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा चिपसेट यूनिसो टाइगर T612 होगा जैसे कि आपको इस मोबाइल में थोड़ा हीटिंग इशू भी देखने को मिलेगा लेकिन डे टू डे परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी इस मोबाइल के देखने को मिलेगी अगर बात करें इस मोबाइल के GPU की तो इस मोबाइल में माली जे 57 GPU आपको देखने को मिल जाएगा जिससे कि आपको गेमिंग के वक्त थोड़ा लैग इशू भी इस मोबाइल में देखने को मिलेगा ओवरऑल देखा जाए तो इस मोबाइल का प्लेटफॉर्म आपको एवरेज ही देखने को मिलेगा आप बात करते हैं इस मोबाइल के मेन कैमरे की जिसमें फिफ्टी और पॉइंट मेगापिक्सल का एक डोल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा कैमरा फीचर में इस मोबाइल में एच का फीचर भी होगा अगर बात करें मेन कैमरे की वीडियो क्वालिटी की तो आप इस मोबाइल से टेन में काफी अच्छी क्वालिटी के फोटोज और वीडियो शूट कर सकते हैं अगर बात करें सेल्फी कैमरे की तो इस मोबाइल में 5 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलेगा और फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी सेवन ट्वेंटी होगी ओवरऑल देखा जाए तो इस मोबाइल का कैमरा सेगमेंट भी आपको एवरेज ही देखने को मिलेगा अब चलते हैं इस मोबाइल के अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस मोबाइल की मेमोरी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल के कार्ड स्लॉट की तो इस मोबाइल तो में माइक्रो एच कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिलेगा इंटरनल मेमोरी थर्टी टू जीबी सिक्सटी फोर जीबी और वन हंड्रेड ट्वेंटी एट जीबी के वेरियंट में होगी अगर बात करें इस मोबाइल के रैम की तो यह मोबाइल आपको तीन और चार के वेरियंट में देखने को मिल जाएगा अगर बात करें साउंड क्वालिटी की तो इस मोबाइल में ए डिसेंट क्वालिटी का आपको लाउड स्पीकर देखने को मिलेगा और 3.5 पॉइंट फाइव एमएम जैक का फीचर भी इस मोबाइल में होगा अगर बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की तो इस मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको साइड माउंटेड देखने को मिलेगा अब बात करते हैं इस मोबाइल की बैटरी के बारे में जिसमें पांच हजार एमएच के कैलेपियो बैटरी आपको देखने को मिलेगी और चार्जिंग की बात करें तो इस मोबाइल में फास्ट चार्जिंग का फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर बात करें इस मोबाइल के यूएसबी की तो इस मोबाइल में माइक्रो यूएसबी टू पॉइंट जीरो यूएसबी बोर्ड आपको देखने को मिलेगा और इंफ्रारेड पोर्ट और एनएफसी का फीचर आपको इस मोबाइल में नहीं मिलेगा अब चलते हैं इस मोबाइल के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस मोबाइल के कलर प्राइस और रिलीज डेट की सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल के कलर की तो यह मोबाइल आपको ब्लू और गोल्ड कलर में देखने को मिलेगा इंडिया में इस मोबाइल का प्राइस 9999 होगा अगर बात करें इस मोबाइल के रिलीज डेट की तो यह मोबाइल 12 सितंबर को रिलीज हो जाएगा ओवरऑल देखा जाता है इस मोबाइल में कोई खास फीचर आपको देखने को नहीं मिलेंगे मेरे अकॉर्डिंग आपको ये मोबाइल नहीं लेना चाहिए क्योंकि इस प्राइस रेंज में वीवो और शाउमी में आपको काफी अच्छे फीचर वाले मोबाइल देखने को मिल जाएंगे अब सबसे आखिर में बारी आती है इस मोबाइल की रेटिंग की तो इस मोबाइल के सारे फीचरों को देखते हुए इस मोबाइल की स्टोन रेटिंग होगी सिक्स आउट ऑफ टेन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना और कमेंट करके बताना इस मोबाइल का सबसे अच्छा फीचर आपको कौन सा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में